आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम प्रशासन द्वारा शाहगंज क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान शुरू होते ही नगर निगम टास्क फोर्स के कर्मचारी और दुकानदार के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दुकानदारों में आक्रोश भड़क गया और दुकानदारों के शटर गिरकर धरने पर बैठ गए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी व्यापारियों को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शाहगंज बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम टास्क फोर्स के कर्मचारियों और शाहगंज बाजार के व्यापारियों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया। आगरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम प्रशासन द्वारा शाहगंज क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाए दुकानदारों को हटाने को लेकर जब टीम के लोगों ने अतिक्रमण हटाने की बात कही तो वहां हंगामा हो गया। आरोप है कि नगर निगम टास्क फोर्स के कर्मचारी हरवीर सिंह से दुकानदार की कहासुनी हो गई और उसने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद दुकानदार उग्र हो गए। धरने पर नहीं बैठे, ये चेतावनी है उन अधिकारियों को जो समाजवादी बसपा की मानसिकता को लेकर व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। सुविधा शुल्क मांगा जाएगा नहीं तो लाठियों बरसाई जाएंगी, उनको चेतावनी है कि सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की व्यापारियों दी हुए आशीर्वाद की सरकार है। जो व्यापारी टैक्स भरता है उसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास ऐसे कुछ मानसिकता के लोग कर रहे हैं। ये धरना नहीं है, ये चेतावनी है उन कुछ मानसिकताओं के अधिकारियों को कि व्यापारी का सम्मान स्वरूप ही है, जो व्यापारी के सम्मान को ठेस पहुँचाएगा उसके लिए हम उसकी दंड प्रावधान के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अधिकारियों से वार्तालाप हुए, संबंधित आगरा के सम्मानित सभी अधिकारी इस बात को संज्ञान में लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं, उचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर शासन स्तर तक भी मामला है, हमारे माननीय मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी भी शासन में बात कर रहे हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया है निश्चित तौर पर उनको दंडात्मक कार्रवाई के रूप में ये शासन प्रशासन करेगा। शाहगंज क्षेत्र में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। गुरुवार को 11 से 12 बजे के करीब एक संयुक्त टीम शाहगंज पहुंची, रोड और फुटपाथ से कब्जा हटाना शुरू किया। दुकानदारों ने इसका विरोध किया लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी। इस बीच दुकानदारों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। व्यापारियों ने दुकानों के शटर गिराए और सभी धरने पर बैठ गए और नगर निगम ताशकोर के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे व्यापार के लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ कुछ आला अधिकारी लोग आए थे जिन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है दुकानदारों के साथ में, मारपीट तक की है, और ये योगी जी की सरकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इस सरकार में। और जिन लोगों ने ऐसा काम किया उसको दंड सरकार देगी, प्रशासन देगा, और जितने यहाँ के SDM ACM थर्ड है ये सब लोग इनको दंड देंगे। आज समझ लो गुंडागर्दी हुई है और आज व्यापारियों संग अत्याचार। अगर पार्किंग नहीं है तो पार्किंग किनका, पार्किंग नहीं है तो गाड़ी का लगाएगा आदमी, अगर 25,000 रुपये गाड़ी का चालान और बिना नोटिस के, बिना नोटिस के बुलडोजर बाबा ले आए, योगी जी को बदनाम करने की साजिश, सरकार को बदनाम करने की साजिश, समाजवादी पार्टी की मान सकता क्या अधिकारी हैं? हम समझा रहे हैं डंडे मार रहे हैं। शाहगंज बाजार में हुई कार्रवाई को देखते हुए बड़ी संख्या में दुकानदार रोड पर आ गए। नगर निगम की टीम को अभियान बीच में ही बंद करना पड़ा। व्यापारियों के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिपाल सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और दुकानदारों को शांत कराया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगातार व्यापारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन धरने पर बैठे व्यापारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।